कितनी भी, चाहे वो लैंड पुलिंग वाली पॉलिसी है, चाहे एग्रीकल्चर को कन्वर्ट करा के कॉमर्शियल एक्टिविटी करनी है, किसी भी प्रोसेस में जाना है, जिसमें भी आप जाओगे, सरकार जब तक वो बिल नहीं लेके आएगी या अपना वो 2000 मास्टर प्लान नहीं लेके आएगी, तो फिर यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, अब आप एक, मैं जहाँ पर आप रहे, मैं जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं जी, ये एक एग्रीकल्चर लैंड है जो सन 1908 के बाद में आज तक इसकी चकबंदी तक भी नहीं हुई है। ना तो एग्रीकल्चर लैंड के अंदर ये मालूम कि लाल डोरा कितना है, और जहाँ पर लोग 1908 के बाद में क्या लोग बसेंगे नहीं अपनी अपनी ज़मीनों पे, और लोग बसते बसते अपने अपने घरों को वहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आज भी वो एग्रीकल्चर लैंड में है, और एग्रीकल्चर लैंड में होते हुए रेजिडेंशियल में और लोग रह रहे हैं उनके ऊपर वो 81 लगा देते हैं। तो ये कोई भी सरकार ने अभी तक जितना भी हुआ है इस पर अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक आज तक नहीं हुई कि 81 के ऊपर कोई इसका समाधान निकाला जा सके या मास्टर प्लान के ऊपर कोई समाधान निकाला जा सके। तो फिर ये लोगों का मानना है कि हमें ना तो कोई नोटिस दिया, ना कोई हमें इतला दिया, और एकदम हमारे ऊपर एकदम ये सीलिंग करते हुए आए और फोर्स के द्वारा दबाव देते हुए। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, किसी के पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा है, और मॉनिटरिंग कमेटी जब से बनी है, सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, उसमें भूरेलाल जी, केजराव जी, ये जितने भी लोग हैं, इन्होंने जब से इनको पावर मिली है, इन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करा, और नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे अगर नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है तो सबको सील करते हुए जा रहे हैं। आगे क्या मानना है आपका? जब तक कोई इसके बारे में लॉ नहीं आएगा, और दिल्ली सरकार इसके बारे में, या केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार तो पहले मास्टर प्लान लेके आए, और केंद्र सरकार इसके बारे में कोई लॉ लेके आए, जब तक ये दो समाधान नहीं होंगे तब तक इसका कोई हल नहीं निकल सकता। लेकिन तवर साहब, ये तो, ये यहाँ तो हजारों हजारों जो बेरोजगार हो जाएंगे, और जिनके पास पैसा है, आप जैसी हस्तियाँ जो आपके यहाँ काफ़ी नौकर काम करते हैं, लेकिन उनका क्या होगा? देखो जी, इससे सभी प्रभावित हैं, क्योंकि सबकी ज़मीन है, जो गाँव के लोग रहते हैं उनका किराया बंद हो गया जी, जो उनको उससे कोई इनकम आ रही थी, प्लस जो वहाँ पर बिजनेस कर रहा था उसका बिजनेस बंद हो गया, प्लस जितनी लेबर वहाँ पे काम कर रही थी उनका नुकसान हो गया, प्लस गांव के जो लोग जिन्होंने के, चाहे वो टेम्पो ले रखा है या किसी का किसी भी तरह से काम चल रहा था, सभी प्रभावित हुए हैं ऐसे।